दोस्तों उत्तर प्रदेश की अनलॉक की गाइडलाइन आई है, जिसमें आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, 1 तारीख यानी 1 जून से राहत मिलेगी। खुलेंगे बाजार, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण में सेकंड स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के कारण 1 मई को लगा कोरोना कर्फ्यू 1 जून से आंशिक ढील दी जाएगी। इस दौरान अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सभी जगह 33% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा, यानी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा आपके प्रदेश में। आप कहीं पर भी हो, किसी भी जिले के हो, इसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, ऐसे में सरकार ने अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू से प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम की बैठक में इस पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बताया कि अभी इस पर मंथन चल रहा है कि पहले किन गतिविधियों को शुरू किया जाए, साथ ही बाजार को एक साथ खोलने के बजाय इस तरह खोलने की योजना है कि एकदम से भीड़ न हो। तो दोस्तों आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा की और इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की सहमति बनी है। प्रदेश में 1 जून से उद्योग दुकान बाजारों को राहत दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में अभी राहत नहीं दी जाएगी, जबकि नाइट कर्फ्यू हर जिले में जारी रहेगा। मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में चर्चा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक कर पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। सरकार फेज वाइज अनलॉक करेगी, प्राथमिकता के आधार पर छूट दी जाएगी, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें सरकार अभी भी काफी सतर्क है। योगी आदित्यनाथ सरकार अचानक ही सब अनलॉक करने के मूड में नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन के साथ ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर सरकार अभी भी काफी सतर्क है। इसी कारण अलग अलग फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोरोना कर्फ्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। तो आप देख सकते हैं सरकार 1 जून को इनको छूट देगी। सरकार कई जगहों पर छूट तो दे रही है, लेकिन सभी जगह पर कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होगा। सरकार कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50% कर्मी क्षमता के साथ सभी दुकान या रेस्टोरेंट तथा 33% कर्मियों के साथ सभी सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालयों को खोलने की छूट दे रही है। इन पर रोक लगा है, आप इसको देख सकते हैं, फिलहाल इन पर रोक लगा हुआ है, इन पर रोक बरकरार है। कंटेनमेंट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून, सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम, इन सभी पर अभी फिलहाल रोक रहेगी। तो 1 जून से सरकार छूट दे रही है, जल्द ही इसकी गाइडलाइन आएगी रविवार यानी आज के दिन, तो आपको नया अपडेट भी दिया जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि कुछ इसी प्रकार की रूपरेखा बनेगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के द्वारा ये जानकारी मिली हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के अपडेट के लिए।